स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम किंगडम एनिमिलिया का नेक्स्ट फाइलम पढ़ने जा रहे हैं और ये नेक्स्ट फाइलम है फाइलम निमेटी हेलमिंथिस विच इज ऑल्सो नोन एज नीमाटोडा या एस्केली हेलमिंथ्स। ये राउंड वॉर्म है, ठीक है। इनको हम कॉमनली राउंड वॉर्म कहते हैं, हेलमिंथ्स वॉर्म और एस्केली राउंड, ठीक है। मल्टी सेलुलर है ये और ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। मल्टी सेलुलर क्योंकि ज्यादा सेल से मिलके बनी है और इनके अंदर भी ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑनवर्ड जितने भी फाइल हम आगे सब में हमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही नजर आएगी। दे आर सीलोसीलोमेट्स। सीलोसीलोमेट्स की मीनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, फॉल्स बॉडी कैविटी है। और किस तरीके से फॉल्स बॉडी कैविटी बनेगी, तो सेंटर वन इज अ गट, गट के बाद एंडोपेरासाइट, एंडोडर्म, एंडोडर्म के बाद सीलोम, सीलोम के बाद मीजोडर्म एंड देन एक्टोडर्म। तो यहाँ पे जो है फॉल्स बॉडी कैविटी बन गई इन बिटवीन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, इसीलिए हम इनको सीलोसीलोम भी कहते हैं। नेक्स्ट, आगे और क्या बताया हमने कि इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। आप यहाँ देख भी सकते हो कि दोनों एंड्स आपको इनके पॉइंटेड नजर आएंगे, सिलेंड्रिकल है और लॉन्ग इलोंगेटेड इनकी बॉडी है। नेक्स्ट क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल इनकी वेरी वेल डेवलप है, दोनों माउथ और एनस दोनों मौजूद है। तो लेबलिंग मैंने यहाँ पे क्या हुआ भी है कि एक तरफ माउथ और दूसरी तरफ एनस, यानी दोनों ही इनके जो है वो ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट है, यानी मेल अलग है और फीमेल अलग है। ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये हीट्रोफ्रोडाइट है। ये जो है वो यूनिसेक्सुअल है और ये डाइईशियस है, ठीक है। इसके बाद सेक्सुअली डाइमॉर्फिक है, यानी अलग अलग होंगे। मेल इनका आमतौर पे जो है वो शॉर्टर इन साइज होता है और हुक लाइक कर्व्ड होता है, बैंड होता है, जबकि फीमेल इनकी लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रखती है, ठीक है। हैबिटेट, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ हैबिटेट्स हैं। स्कैवेंजर्स हैं इनमें से कुछ, यानी गली सड़ी चीजें खाने वाले। कुछ प्रीडेटर्स हैं, शिकार करते हैं, और कुछ जो हैं एस पैरासाइट रहते हैं, यानी फूड और शेल्टर अपने होस्ट से लेते हैं और इनको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनकी खास बात ये कि बहुत तेज़ी से इनकी जो है वो स्पीड बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से ये बढ़ जाते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। एक रॉटन एप्पल में 90,000 राउंड वॉर्म जो है एट अ टाइम हमें मिल जाएंगे। कॉमन एग्जाम्पल्स जो है वो इनकी है स्कैरिस, जो कि आमतौर पर मिट्टी और गंदा पानी और गंदा खाना खाने की वजह से जो है वो बच्चों में हो जाता है। वेरी कॉमन राउंड वॉर्म के नाम से हम सुनते हैं, और इसके लिए फिर जो है वो लॉन्ग टर्म तक बच्चों का ट्रीटमेंट भी चलता है अगर इसको प्रॉपरली एक टाइम में जो है वो कंट्रोल ना किया जा सके तो। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है विचेरिया थ्रेड वॉर्म। ये लिम्फ वेसल्स में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, और ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से लिम्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं। इसको हम फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं या हम इसको थ्रेड वॉर्म कहते हैं, और ये एलिफेंटियसिस या फिलेरियसिस कॉज करता है क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट है हमारे पास ये, और ये ट्रांसमिट होता है मॉस्किटोज के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूटिनेट विच इज ऑल्सो नोन एज हुक वॉर्म। ये हुक वॉर्म जो है वो इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स में रहता है, ये स्किन के थ्रू जाता है और टारगेटेड एरिया तक पहुंचने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये भी मैच्योरिटी की स्टेज जो है वो स्किन में जाके ही कंप्लीट करता है। कुछ और करेक्टरिस्टिक्स इसके अलावा हम डिस्कस कर लें। नर्वस सिस्टम इनका डेवलप्ड है, वेरी वेरी वेल डेवलप नहीं है लेकिन डेवलप्ड है, और इनको सेंस है कि इनके उस ऑर्गन तक अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन तक कैसे और किस तरह पहुँचना है। इसके बाद हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लें, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। इसके बाद अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डेवलप्ड है, और ये जो है हमारा फाइलम जो है वो प्लैटी हेलमिंथिस के मुकाबले में ज़्यादा डेवलप्ड है। तो जल्दी से हम इसको एक पर्दा फिर देख लें कि फाइलम नीमाटोडा ऑल्सो नोन एज एस्केली हेलमिंथिस राउंड वॉर्म, मल्टी सेलुलर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। देख भी सकते हैं आप डायग्राम में, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है, और सीलोसिनोमेट्स हैं ये लोग, और इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल इनकी डेवलप्ड है, और अब इनकी एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइलम के साथ हाजिर होंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।